होम्योपैथिक के बुनियादी असूलों में एक असूल ये है कि ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिज़ीज़। हमारे पास बेशुमार लोग आते हैं और बज़ाहिर वो एक ही बीमारी में मुब्तला होते हैं, नज़ला, खांसी या जोड़ों के दर्द। उसमें हमें उसका मुनफरिद मुकाम जो है वो तलाश करना पड़ता है, ये मालूम करना पड़ता है कि ये मरीज़ दूसरे मरीज़ से कैसे मुख्तलिफ है। बज़ाहिर उसकी बीमारी एक जैसी है लेकिन हमें उस पर दूसरे मरीज़ से अलग करना होता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये उससे मुनफरिद है, इसमें ये इनफरादियत है कि इसका मिजाज ऐसा है या इसके जोड़ों का दर्द जो है उसमें कमी बेशी फला वक्त में होती है, किसी में रात में होती है, किसी को दिन में होती है, किसी को दोपहर में और किसी को तूफ़ान की आमद पर, किसी को बारिश में। तो हमें हर लिहाज से उसकी दवा को अलग करना पड़ता है, ऐसे मरीज़ को हम एक ही दवा नहीं दे सकते। तो इसके लिए ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिज़ीज़ का जो कायदा बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया है। और हैनीमैन का ये कहना था कि अगर इस तरीके से आप इलाज करेंगे तो 100% शफा होगी। तो ये इस बात की तस्दीक इस बात से भी होती है कि ना जाने ये कब से फिंगरप्रिंट्स का सिलसिला शुरू किया गया है, और फिंगरप्रिंट्स जो है इसके बारे में ये साबित हो चुका है कि किसी भी इंसान के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते। तो ये हैनीमैन के नज़रिए की अक्कासी है और इसका सबूत है कि हर मरीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है और हमें उसके लिए एक मुख्तलिफ दवा जो है वो तलाश करना होती है, और इसी में ही शफा के अंसर मौजूद है और इसी में होम्योपैथिक इलाज की कामयाबी है, जो ये कहते हैं कि ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिज़ीज़।